हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज सैटरडे है और सैटरडे को आप सभी को पता है रीजनिंग का ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो टेस्ट को एंड तक देखिए और टेस्ट में आप कितना स्कोर कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं तीनों वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। और देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना है, इससे आपका ही टाइम बचेगा। जो वीडियो आपकी आधे घंटे की बन सकती थी वो 15 से 20 मिनट की बनेगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए और आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालना है, मिसिंग नंबर है ये आपको बताना है। तो देखिए ट्राई करके क्या आंसर आता है। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस जीरो से वन की माइनस वन की बात करूँ तो अगर देखिए जो दोस्तों जीरो में से मैं माइनस वन करूँगा तो कितना बचेगा, माइनस का वन ही तो बचेगा, तो यहाँ पे माइनस वन आ गया। माइनस वन में से फिर मैं माइनस वन करूँगा तो माइनस टू बचेगा। फिर उसी तरीके से आप वन में से माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। और जीरो में से आप माइनस वन करेंगे तो आपका माइनस वन ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप टू में से माइनस वन करेंगे तो कितना बचेगा, वन। और यहाँ पर वन में से आप माइनस वन कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा जीरो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि सभी में से आपको जो पहली संख्या है ना उसमें से आप माइनस वन करके लिखेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, फिर दूसरी संख्या में से भी आप माइनस वन करके लिखेंगे तो आपके तीसरे वाली सीरीज आ जाएगी और ये आपके इस तरीके से चलती रहेगी। तो इसमें से आप माइनस वन करेंगे तो यहाँ पर आपका वन ही बचेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू है और ये आपका एक सीरीज वाला क्वेश्चन है जिसमें है आपका 2460, 3570, 4680 और नेक्स्ट आपको बताना है, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं दोस्तों, डिफरेंस चेक करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। अगर मैं 3570 में से 2460 को माइनस करूँ तो कितना आएगा, ये आपका आएगा दोस्तों 1110, यानी कि 1110 आ जाएगा, ठीक है, 1110। तो इनके बीच का डिफरेंस 1110 है। फिर नेक्स्ट का मैंने चेक किया तो ये भी आपका 1110 ही आ रहा है, तो इसका भी 1110। तो इसका मतलब भाई पहली संख्या में 1110 को प्लस करके दूसरी संख्या बन रही है और दूसरी संख्या में 1100 प्लस करके तीसरी संख्या बन रही है और तीसरी संख्या में 1110 प्लस करके दोस्तों आपकी चौथी संख्या बन जाएगी। तो 4680 में 1110 प्लस करिए फटाफट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5790। तो 5790 देख लीजिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपका 7714 और 7916, 8109 और नेक्स्ट आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। फिर से आप देखिए डिफरेंस चेक करेंगे। अब डिफरेंस इनका सेम नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, एक नंबर को छोड़ के, यानी कि एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, एक नंबर को छोड़ के करना है, ठीक है। देखिए अगर मैं इनका डिफरेंस चेक करता हूँ, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा दोस्तों 202, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 193। यानी कि डिफरेंस से तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, यानी कि इंक्रीमेंट हमें नहीं पता चल रहा है, एक कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो 7714 को अगर मैं 8109 में से माइनस करूँ दोस्तों, 395 आया है, ठीक है। तो आप इसमें 395 प्लस करके नेक्स्ट नंबर लिखेंगे तो आप 7916 में जब 395 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7916 प्लस 395 तो 8311 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8311 देख लीजिए आप, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 8311, ठीक है। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई किसी को भी ट्राई करना होता है ना तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भाई देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर आपका एनालॉजी से है और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और जो भी आपका राइट आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। देखिए आप 18 और ये आपका फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क और फिर 64 लिखा है। देखिए यहाँ पे आपका क्यूब अगर दिख रहा होगा, आपका 64 भी क्यूब है, ठीक है। 64 आपका 4 का क्यूब है और यहाँ पर आपका देखिए 8 जो है 2 का क्यूब है और 1 आपका 3 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी 1 का क्यूब हो जाएगा। तो 1 का आपने क्यूब किया 1 आया, फिर 2 का क्यूब क्या आपका कितना आ गया 8। तो नेक्स्ट आपका किसका क्यूब आना चाहिए, क्योंकि ये 4 का क्यूब है तो बीच में 3 का क्यूब बचा हुआ है, तो 3 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब 27। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 27 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो
तो देखिए यहाँ पे क्यूब था, यानी कि एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब और चार का क्यूब। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बी वी एस सी आपका फिर रेशो लिखा है वाई ई एच एक्स, और फिर आपका लिखा है एम आर सी पी, और नेक्स्ट रेशो आपको बताना है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखें, देखिए एक चीज़ तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बताते ही हूँ, आपको अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद होने चाहिए, अल्फ़ाबेट के अपोजिट्स याद होने चाहिए, यानी कि ए बी सी डी। और वो याद कैसे करना है भाई, ए से एम तक लिखने के बाद में एम के नीचे एन और फिर जेड तक लिखना है, ये सभी एक दूसरे के आपके अपोजिट पता चल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप वैसे भी मतलब एग्जाम में अगर आप बैठे होते हैं 5 मिनट पहले आपको रफशीट मिल जाती है, उस रफशीट में इसको इस काम को कर लीजिए जाते ही, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है भाई, बी किसका जो बी का अपोजिट क्या होता है वाई, वी का अपोजिट आपका ई होता है, एस का अपोजिट आपका एच होता है, और सी का अपोजिट आपका एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है अपोजिट, तो आपको क्या करना है भाई, एम आर सी पी का भी अपोजिट देखना है। तो एम का तो अपोजिट एन होता है, सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए से एम तक, एम के नीचे एन, तो एन से जेड तक। देखिए ए का अपोजिट जेड है, जैसे एम का अपोजिट एन है, इस तरीके से आप याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि इनका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सारी चीज़ें। एम आर सी पी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, एम का अपोजिट तो एन हो जाएगा, सीधा सीधा पता है, आर का अपोजिट आई होता है, ठीक है, सी का अपोजिट आपका एक्स होता है, पी का अपोजिट आपका के होता है, तो एन आई एक्स के, तो एन आई एस के दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देख लीजिए आप ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको जो ये वीडियो है अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा ज़रूर, इससे आपको थोड़ा सा पता चलता है मेरे को भी कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं और कितना आपको टेस्ट अच्छा लगता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपके लाइक और शेयर के हिसाब से ही वीडियोस बनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएँ से 10वां और बी जो दाहिने से 9वां है, तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं जिसमें ए जो है वो बाएं से 10वां है और बी 9वां है दाएं से, ठीक है। चलिए ये होने के बाद में क्या बोला जा रहा है, दाएं ओर से 9वां है, अपने स्थान बदल लेते हैं। ये देखिए अब क्या करते हैं, ये 10 और 9वां होने के बाद में ये अपना स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने के बाद तो ए बाएं ओर से, बाएं ओर से, ठीक है, 15वां हो जाता है। अब देखिए बाएं ओर से 15वां होने का मतलब क्या होगा भाई, अभी तक ए क्या था यहाँ पे 10 था, अब ए आपका यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे आ गया, यानी कि इन्होंने स्थान चेंज कर लिए, तो अब जो ए ये है ना, ये आपका हो गया 15वां, कहाँ से, बाएं साइड से, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। भाई इन्होंने स्थान परिवर्तन करने की बात की गई थी ना, तो स्थान कब परिवर्तन होगा, जब बी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये दोनों इस तरीके से आते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ए आपका 15वां हो जाता है, यानी कि ए अब यहाँ पे पहुँच चुका है और ये बाएं से 15वां हो चुका है, तो ये डिस्टेंस जो बीच में थी ये भी आपने कवर कर ली। पूछा क्या जा रहा है ये देख लेते हैं, ए 15वां है तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए। देखिए अब यहाँ पे आती है बात लड़कियों, मतलब उस पूरे में लड़कों की संख्या कितनी है भाई, ये वाला जो है यहाँ पे आपका ए बैठा है और ए का जो अब स्थान है वो 15वां है, पहले इधर से बी का कितना था 9वां, तो ये 9वां जो स्थान है दो बार काउंट हो गया, 15 और 9 को आपको प्लस करना है और एक को माइनस कर देना है। एक को माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इधर से 9वां था बी, अब बी पे की जगह ए आ चुका है, यानी कि इधर से आपका 9वां हो जाएगा ए और इधर से आपका जो ए है वो हो जाएगा कितना, 15वां। तो इसका मतलब ये जो ये वाला स्थान है ना, ये वाला, ये दो बार काउंट हो रहा है, ये 15 में भी हो रहा है, 9 में भी हो रहा है, तो इसलिए एक को माइनस कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि 10 और 10 के बीच में 4 ये प्लस होंगे और 9 प्लस होंगे आपके फिर बाद में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 4 गई तो है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने 4 प्लस किया, फिर 9 इधर से आएंगे तो 9 को भी प्लस कर लिया, तो कितना हो जाएगा 23, ठीक है, तो 23 इसमें सारे के सारे जो है लड़कों की संख्या हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है कथन और तर्क से, इसमें कथन दिया गया है क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। आपसे एक सवाल किया जा रहा है कि क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, या तो हाँ आएगा या ना आएगा, दो ही तो आंसर आ सकते हैं, तो यहाँ पे बट उसका लॉजिक क्या होगा या उसका रीज़न क्या दिया जाएगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे पहला है कि नहीं अभी भी हमारे हमने सॉरी
हमने साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। आप मुझे ये बताइए, क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? ये जो आपका कथन है, इस कथन का तर्क से कोई लेना देना है? क्योंकि यहाँ पे तर्क में कुछ और ही चीज़ बोली जा रही है, अभी भी हमने साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले कथन से, तो इसको तो हटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन टू है, इसमें दूसरे वाला तर्क है, नहीं क्योंकि इससे शिक्षित रोजगार की दर में वृद्धि होगी। तो देखिए, इस चीज़ को भी हमें यहाँ पे नहीं मतलब कथन में बोला गया है, बस यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, तो यहाँ पे नहीं में आंसर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो जो नहीं के आंसर होते हैं वो मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है कि रॉन्ग ही होते हैं, बट इनके लॉजिक भी डिपेंड करते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, कैसा आपका लॉजिक उसमें लग रहा है। तो इसमें नहीं वाला जो पहले वाला बिल्कुल साक्षरता के ऊपर बात ही नहीं की जा रही है, तो वो हटा देंगे। फिर यहाँ पे बोला जाए क्योंकि इससे शिक्षित रोजगार की दर में वृद्धि हो जाएगी, तो शिक्षित या अशिक्षित रोजगार की दर में वृद्धि होगी या नहीं होगी, इस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो दोनों के दोनों जो आपके तर्क हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन इसमें दिया गया, क्या भारत में रक्षा पर जरूरत से ज़्यादा खर्च किया जाना तार्किक रूप से सही है? यानी कि आपसे फिर से एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या भारत में रक्षा पर जरूरत से ज़्यादा खर्च किया जाना तार्किक रूप से सही है। तो इसमें देखिए दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो बोला जाएगा हाँ या फिर नहीं। तो हाँ बोला गया है तो क्या रीज़न दिया गया इसमें, देश की सुरक्षा पहली आवश्यकता होनी चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल सही, जो देश की सुरक्षा है वो पहली आवश्यकता होनी चाहिए, तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले वाला तो सही पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर कोई भी देश आर्मी पे या पूरा अपना डिफेंस सिस्टम पे खर्च कर रहा है, सुरक्षा पे खर्च कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वार चाहता है, यानी कि वो किसी तरीके की लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं, वो अपने को स्ट्रोंग बना रहे हैं। ठीक है, इन फ्यूचर कभी भी कोई वॉर होती है या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, किसी भी दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। उस टाइम पे एकदम आर्मी नहीं बनाई जा सकती, उस टाइम पे सारे टैंक नहीं खरीदे जा सकते, उस टाइम पे सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मतलब भारत या फिर कोई भी देश सुरक्षा की मतलब उसके हिसाब से खर्च करना आवश्यक है, क्योंकि देश की सुरक्षा पहली होती है। ठीक है, तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है दोस्तों, नई शांति के समय धन को विकास पर खर्च किया जाना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं किसी भी देश की, मतलब अभी तो कोई वॉर चल ही नहीं रहा किसी भी कंट्री के बीच में, तो सभी में आपकी शांति है, तो इसका मतलब सभी देशों को अपने जो डिफेंस सिस्टम है उस पर खर्च कर बंद कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में भाई आपको कथन पे थोड़ा कम जाना है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ सीधा सीधा आपसे कुछ पूछा गया है, और जब भी आपसे कुछ पूछा जाएगा तो उसके हिसाब से आप आंसर देंगे। ठीक है, तो शांति के समय में भाई धन को विकास पे नहीं खर्च किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आर्मी आज बना ली और कल बंद कर दी। ठीक है, तो अगर उस पर खर्च स्टार्ट हो गया तो वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, अगर वो बंद कर दी तो फिर आपकी देश की जो सुरक्षा रहेगी वो पहले पे नहीं आएगी, और फिर आपका मतलब सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला रॉन्ग रहेगा, पहले वाला राइट रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है, दी गई आकृति का दर्पण में बनने वाली सही प्रतिबिंब चुनिए जब दर्पण ए बी पर रखा हो। तो जब दर्पण आपका ए बी पर रखा होगा तो तब आपको बताना है कि इसकी कौन सी इमेज बनेगी। तो देख लीजिए आप कौन सी इमेज बन रही है। मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई है, अगर मिरर आपका ए बी पर इस साइड में रखा है तो इस साइड में आपका जो पूरा का पूरा जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, फिर इसमें ये डिज़ाइन बने हुए हैं ये वाले कुछ इस तरीके से लाइनें। ठीक है, लाइन वाला कहाँ पे, ये देखिए भाई, अगर आपका मिरर ये रखा है और लाइन वाली इस साइड में है, तो दोस्तों अगर आपका जो दूसरे वाला ट्रायंगल जो मिरर इमेज बनेगी उसमें भी कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये चीज़ देखिए मिरर अगर यहाँ पे है तो आपकी ये लाइनें लाइन वाला पोर्शन इस साइड में है। ठीक है, तो ये लाइन वाला पोर्शन इसी साइड में आना चाहिए। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए ऑप्शन ये वाला, ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा क्योंकि उल्टा कर दिया गया है, और ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इस साइड में आपका ये जो डार्क है ये इस साइड में आ गया है। ठीक है, तो डार्क वाले का जो है ये दूर रहेगा, और ये आपका जो पास में है ये वाला ये पास में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बचते हैं बी और सी। भाई बी आपका आंसर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि डार्क वाला ऑप्शन यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे दे दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। आपका बचा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, पूरा आपने ट्रायंगल बनाया और जो चीज़ें पास में थी उसको पास में ही रखी, मिरर ये है आपका तो ये पास में है, इसके सभी चीज़ें
ये लाइन ड्रॉ वाला तो आप पास में करेंगे, और ये डार्क वाला हिस्सा दूर है तो इसको दूर ही करेंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला हिस्सा जो डार्क है इसको दूर रखेंगे, जो लाइन वाला है इसको पास रखेंगे। इधर भी ऐसे ही है तो इधर भी ऐसे ही रहेगा। मिरर इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो, आपको ये देखना है कि मिरर के पास में कौन सी चीज़ है। मिरर के पास में जो भी चीज़ होगी उसको पास में रखना है, जो दूर होगी।